ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक हैं और ग्लोबल क्यूज़ में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो तो जो इसराइल ने हमास के नेता या सिनवर को मार गिराया वो ज़्यादा जरूरी है अगली बार से इस आई को इसराइल आर्मी लेके क्योंकि सबको नहीं पता कि आई क्या है बेसिकली इसराइल ने मार गिराया वो इम्पोर्टेंट है समझना और 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास का जो हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड थे ये तो एक ह्यूमैनिटी uh, के लिए तो अच्छी खबर है पहली बात और अब उसकी वजह से अगर वॉर ख़त्म होती है अब ये क्या एक हो सकता है कि अब सब लीडर्स मिलकर आएँ और कहें कि देखिए वहाँ पर हिजबुल्ला के भी लीडर मारे गए यहाँ पर हमास के लीडर मारे गए अब कम से कम इस वॉर को ख़त्म किया जाए अगर दोनों हथियार डालें और वॉर ख़त्म हो तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है जिसकी शायद दुनिया को ज़रूरत भी है ठीक है और हर तरफ से मतलब जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है दूसरा चीन से जो आपको क्यूज़ मिल रहे हैं वो क्लियर कट आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी इकोनॉमी स्लो ही है 4.5 पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4.6 पर आया तो हल्की सी ज़्यादा लेकिन है तो कमी दो के बाद का सबसे लोएस्ट नंबर ही है इसका मतलब क्या है स्टिमुलस वहाँ कंटिन्यू करेगा तो मेरा यह मानना है कि एक रिस्क वहाँ से रहेगा अभी आपके लिए और एक शायद मेटल्स पे लोअर लेवल पर लग रहा है अभी भी शायद मार्केट में बाइंग वापस आएगी जहाँ तक अमेरिकी मार्केट की बात है कल वहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स हम काफ़ी फिसल कर बंद हुए खासतौर तो से नैसडेग करीब करीब 170, एक सौ सत्तर एक पॉइंट नीचे गिरे तो ग्लोबल क्यूज़ टेक्निकली खराब है लेकिन अच्छे ग्लोबल क्यूज़ पर हम कौन सा चले हैं तो खराब ग्लोबल क्यूज़ हो गए तो ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है